बदायूं जिले में बुखार से लगातार हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई। बदायूं जिले के डिप्टी सीएमओ के मुताबिक उन्होंने सीएमओ को एक पत्र लिखा था जिसमें जिले भर के सीएचएस और पीएचएस पर बच्चों की एंटीबायोटिक दवाएं नहीं होने की बात कही गई थी। डिप्टी सीएमओ ने सीएमओ को लिखे खत में कहा कि अगर दवाओं के अभाव की वजह से कोई मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीएमओ की होगी। उधर इस मुद्दे पर सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने पहले तो दवाइयों की कमी की बात को सिरे से खारिज कर दिया और फिर पत्र लिखने वाले डिप्टी सीएमओ को शराबी करार दिया। बदायूं जिले में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो अभी तक जिले भर में संक्रामक बीमारियों से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। अट्ठाईस तारीख को मैंने सीएमओ साहब पत्र लिखा था, आवश्यक आपूर्ति भी मांग की थी, लेकिन आज एक तारीख हो गई है, मैं पुनः पत्र लिखा हूँ। आवश्यक दवाएँ आवश्यक हुई है बच्चों से, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए हमारे पूरी ब्लॉक जनपद में कोई एंटीबायोटिक मौजूद नहीं है। सिर्फ दवा ना एंटीबायोटिक नाम पर सिर्फ डॉक्टर साहब की कैप्सूल है, वो हम बड़े को दे सकते हैं, बच्चों को नहीं दे सकते हैं। अब आगे जो भी मौतें होंगी अगर दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हैं इसे मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं। डॉक्टर हरदत्त जो है मेरे द्वारा पूर्व में ही उनको नशे में रहने की आदत है, 2 बजे शराब पी लेना, अधिकारियों का आदेशों की अवहेलना करना, पूर्व में भी दूसरे जनपद से भी आए गए तो यही इनके ऊपर एलिगेशंस थे, जनपद हाथर से आए थे, इनके स्थान का आदेश में लिखा हुआ है, तो इनकी पुरानी आदत है। अभी भी ये कभी भी समय से नहीं आते, बिना बताए 2 बजे दारू पी लेते हैं और अपने आप चले जाते हैं, तो इनको इनके किसी भी बात पर गौर न फरमाया जाए कि उनको आइडिया बिल्कुल है नहीं।